से पलरी तक एक ओवरब्रिज बनाने काम किया जाए। हाँ, बाराबंकी शहर में जब तक भैया ओवरब्रिज बनेगा नहीं तब तक अतिक्रमण हटाने कोई मतलब नहीं है, कहा बतावा जाए भैया। बाराबंकी जिले में जेसीबी दौड़ा, बुलडोजर दौड़ा, जहाँ भैया देखो वहाँ अतिक्रमण हटावा जा रहा, बहुत हाई हल्ला मचा पड़ा है। डीएम साहब लगातार कार्रवाई कर रहे हैं भैया, उनके आदेश पर बिजली के खंभे भी हटाए जा रहे हैं, लेकिन उनके बावजूद भैया ट्रैफिक की समस्या से लोगों को निजात नहीं मिल रहा, आज जो लंबा जाम लग जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। यही खातिर बाराबंकी जिले के सदर विधायक सुरसादो जी ने कुछ समय पहले विधानसभा में ये बात भी उठाई थी कि देखो साहब ऐसा है बाराबंकी जिले में डीएम आवास से लेकर के पलरी चौराहे तक एक ओवरब्रिज बनाया जाए जिससे ट्रैफिक की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। अंत में इतना कहना है, मेरे क्षेत्र में मैं 5 साल से लगातार मांग कर रहा हूं कि बंकी टाउन एरिया को ओवरब्रिज जोड़ने के लिए ओवरब्रिज या अंडरपास बनाने का काम किया जाए, जाम से निजात दिलाने के लिए डीएम आवास से पलरी तक एक ओवरब्रिज बनाने का काम किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः नेता प्रतिपक्ष की बातों से अपने आप को संबद्ध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं आपका। अब हम तो बाराबंकी जिले के डीएम सत्येंद्र कुमार जी से कहना चाहेंगे कि साहब हो सके तो विधायक जी की बातों पर ध्यान दीजिए, एक एस्टीमेट बनाइए और अगर संभव हो तो बाराबंकी जिले के शहर में एक ओवरब्रिज का निर्माण होना चाहिए भैया, है कि नहीं? ट्रैफिक की समस्या से निजात मिले, आदमी परेशान हो जाते हैं, कभो कदार एम्बुलेंस फंस जाते हैं लोग, बिल्कुल भैया कहा बताई, अधिक्रमण तो हटावा जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भैया परमानेंट सोल्यूशन तब है जब यहाँ ओवरब्रिज बनेगा। फिलहाल भैया उम्मीद करेंगे डीएम साहब विधायक जी की बातों पर ध्यान देंगे और विधायक जी से भी हम कहना चाहेंगे कि डीएम साहब से मुलाकात कीजिए, एस्टीमेट बनाइए और भैया यू परमानेंट समस्या का समाधान कीजिए। बड़ी जाम हो जाता है भैया, बहुत है लोग, शहर के लोग परेशान हो जाते हैं, तो एक थोड़ी ओवरब्रिज बन जाएगा तो लोगों का कल्याण हो जाएगा। बाकी दूसरी खबर देख ली थन। अब कहो चाची मौसी, तुम्हारे पति ई रिक्शा तो नहीं चलावत है? अगर बाराबंकी जिले के शहर में ई रिक्शा चलावत है तो तनिक सावधाने हो जाए, चले जाए बाराबंकी जिले के जीआईसी ऑडिटोरियम भैया, वहाँ पर जाकर के देखा तो यातायात के प्रभारी राम यतन यादव जी मिलेंगे, सत्यापन करवा लें, इनके रजिस्टर में नाम पता नोट करवा लो, अगर ना करवाई हो तो समझ लो भैया कार्रवाई की जाएगी। तनिक सुनो भैया, बिना सत्यापन के तुम बिल्कुल नहीं चल पाओगे, अगर हमारे रजिस्टर में तुम्हारा एंट्री नहीं होगा तो तुम रोड पे नहीं चल पाओगे, इसलिए आ करके अपने गाड़ियों का सत्यापन करा लो, ई रिक्शा का, ई रिक्शा का सत्यापन करा लो और माल लोड करके गाड़ी मत चलाओ। अब बेगर भैया सत्यापन के तुम लोग बगैर ई रिक्शा चलाओगे बाराबंकी के शहर में तो कार्रवाई की जाएगी, और ऐसा है सवारी ढो माल बिल्कुल मत ढोना वरना देख लो चालान भी कटेगा, कार्रवाई भी की जाएगी। राम यतन यादव जी की बातें तो आपने सुन ली, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शिमला सहज की खबर इस पर मिलेगी तो बेल आइकन भी दबा दो।